हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। जैसा कि हम लोग कल गुरु बीजाधारी स्त्री के सर तथा ब्रूड कोष के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है लघु बीजाधारी तथा गुरु बीजाधारी में अंतर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुरु बीजाधारी व लघु बीजाधारी में अंतर। तो पहले हम लोग लिखते हैं लघु बीजाधारी। लघु बीजाणुधानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर तथा दूसरा जो हम लोगों का है वह है गुरु बीजाणुधान। गुरु बीजाणु धान जिसे हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर। तो गाइस, अब हम लोगों के इन दोनों के बारे में विभिन्नता तथा अंतर का अध्ययन करना है। तो आइए हम लोग इसे एक कॉलम बना करके इसके विभिन्नताओं के बारे में लिखते हैं। तो गाइस, जो पहला हम लोगों का है लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का जनन लघु बीजाणु जनन कहलाता है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरन जीएम। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का जनन लघु बीजाणु जनन कहलाता है। फिर गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं का जनन गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरेंजियम कहलाता है। गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं का जनन मेगा स्पोरेंजियम कहलाता है। तो गाइस, जो हम लोगों का पहला अंतर है लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का जनन लघु बीजाणु जनन कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, तथा इसमें गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं का जनन गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, जिसे हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा अंतर है वह है लघु बीजाणु धानी का नर
युग्मकोद्भिर, नर युग्मकोद्भिर, नर युग्मकोद्भिर, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट परागकण होता है। परागकण को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन होता है। लघु बीजाणु धानी में नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट परागकण होता है। और इसके बाद गुरु बीजाणु धानी में, गुरु बीजाणु धानी में, गुरु बीजाणु धानी में मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। गुरु बीजाणु धानी में मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमिटोफाइट का फीमेल मादा युग्मकोद्भिद अगुणित, अगुणित बीजांड, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल्स, बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल्स होता है। होता है जो हम लोगों का दूसरा अंतर है, लघु बीजाणु धानी का नर युग्मकोद्भिद परागकण होता है तथा गुरु बीजाणु धानी का मादा युग्मकोद्भिद अगुणित बीजांड होता है। यह हम लोगों का दूसरा अंतर हुआ। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है और इस पे विशेष फोकस करिएगा। जो हम लोगों का यह तीसरा अंतर है, यह है लघु बीजाणु धानी का, लघु बीजाणु धानी का अंतिम उत्पाद, लघु बीजाणु धानी का अंतिम उत्पाद परागकण, परागकण जिसे इंग्लिश में पॉलन ग्रेन बोलते हैं होता है। जो निषेचन की क्रिया को, जो निषेचन की क्रिया को, जो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है, जो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। फिर हम लोगों का गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु धानी का, गुरु बीजाणु धानी का, गुरु बीजाणु धानी का अंतिम उत्पाद बीज होता है। बीज जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीड, बीज होता है, बीज होता है जिसकी रोपाई करने पर, जिसकी रोपाई करने पर यह उचित वातावरण पाकर, एक पौधे का निर्माण करता है,
गाइस जो हम लोगों का तीसरा अंतर है, लघु बीजाणु ध्वनि का अंतिम उत्पाद पराकण होता है जो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है, तथा गुरु बीजाणु धानी का अंतिम उत्पाद बीज होता है जिसकी रोपाई करने पर या उचित वातावरण पाकर स्वयं एक नए पादप का निर्माण करता है। फिर इसके बाद आइए जो हम लोगों का चौथा अंतर है, चौथा अंतर लघु बीजाणु धानी में अनेकों बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी में अनेकों बीजाणुओं का निर्माण होता है जो पोषण पाकर वृद्धि व विकास करते हैं। लघु बीजाणु धान में अनेकों बीजाणुओं का निर्माण होता है जो पोषण पाकर वृद्धि एवं विकास करते हैं। गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु धानी में केवल गुरु बीजाणु धानी में केवल चार बीजाणुओं का केवल चार बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिसमें से तीन मृत हो जाते हैं, तथा चौथा बीजाणु पोषण पाकर वृद्धि करता है। गाइस जो हम लोगों का चौथा अंतर है वह है लघु बीजाणु धानी में अनेक बीजाणुओं का निर्माण होता है जिनमें से सभी बीजाणु वृद्धि एवं विकास करते हैं, तथा जो हम लोगों का गुरु बीजाणु धानी है, गुरु बीजाणु धानी में चार बीजाणुओं का निर्माण होता है जिनमें से तीन मृत हो जाते हैं तथा चौथा पोषण पाकर वृद्धि व विकास करता है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट है पाँचवा पॉइंट वह है हम लोग आइए चित्र बनाकर समझते हैं लघु बीजाणु धानी का। आइए पहले हम लोग चित्र बनाते हैं।
लोगों का जो चित्र है यह लघु बीजाणु धानी का चित्र है। यह हम लोगों का लघु बीजाणु धानी का चित्र है जो अब बनकर तैयार हो गया है तथा इसके हम अब इसका नामकरण कर लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। इसे हम लोग बोलते हैं अंत आवरण, अंत आवरण। इसे हम लोग बोलते हैं अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम। तथा इसे हम लोग बोलते हैं टेप्टम, टेपिटम। तो जो हम लोगों का लघु बीजाणु धानी होता है, लघु बीजाणु धानी अपने चारों तरफ बाह्य आवरण, अंत आवरण, अंतस्थीसियम, टेपिटम आदि परतों से अपने चारों तरफ घिरा रहता है। तो हम लोगों का जो पांचवा पॉइंट है वह हम लिखेंगे लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी अपने चारों तरफ अपने चारों तरफ बाह्य आवरण, अंत आवरण, अंतस्थीसियम अंतस्थीसियम व टेपिटम से घिरा रहता है, से घिरा रहता है। जो हम लोगों का पांचवा पॉइंट है लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी अपने चारों तरफ बाह्य आवरण, अंत आवरण, अंतस्थीसियम तथा टेपिटम से घिरा रहता है। अब हम लोगों का जो गुरु बीजाणु धानी, आइए इसका स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। यह हम लोगों का लघु बीजाणु धानी का चित्र बन गया है। यह इसका बाह्य आवरण है, यह इसका बाह्य आवरण है तथा यह इसका मध्य आवरण है। तथा जो शेष भाग पाए जाते हैं वह इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे कहने का आशय यह है कि जो गुरु बीजाणु धानी होता है वह अपने चारों तरफ बाह्य आवरण व अंत आवरण से घिरा रहता है। जो गुरु बीजाणु धानी होता है वह अपने चारों तरफ बाह्य आवरण व अंत आवरण से घिरा रहता है। आइए लिखते हैं जो हम लोगों का इसमें पांचवा पॉइंट है गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी अपने चारों तरफ गुरु बीजाणु धानी अपने चारों तरफ बाह्य व अंत आवरण से घिरा घिरा रहता है। गाइस यह हम लोगों का हो गया है गुरु बीजाणु धानी व लघु बीजाणु धानी व गुरु बीजाणु धानी में अंतर।
तो पहला अंतर आइए हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। गुरु बीजाणु धान में लघु बीजाणुओं का जनन, लघु बीजाणु धान में लघु बीजाणुओं का जनन लघु बीजाणु जनन कहलाता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, तथा गुरु बीजाणु में गुरु बीजाणुओं का जनन गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, जिसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा अंतर है वह है लघु बीजाणु धानिका नर युग्मकोद्भिद, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट परागकण होता है, तथा गुरु बीजाणु धान में मादा युग्मकोद्भिद अगुणित बीजाणु, जिसे हम लोग ओव्यूल्स इंग्लिश में बोलते हैं, होता है। इसके बाद हम लोगों का जो तीसरा अंतर है वह है लघु बीजाणु धानी का अंतिम उत्पाद परागकण होता है, लघु बीजाणु धानी का अंतिम उत्पाद परागकण होता है, जो परागण की क्रिया को संपन्न करता है। फिर गुरु बीजाणु धान में जो हम लोगों का तीसरा पॉइंट है, गुरु बीजाणु धान का अंतिम भाग बीज होता है, जिसकी रोपाई करने पर यह एक पौधे का निर्माण करता है। फिर इसके बाद हम लोगों का जो चौथा अंतर है वह है लघु बीजाणु धान में अनेकों बीजाणु उत्पन्न होते हैं, जो पोषण पाकर वृद्धि व विकास करते हैं। और जो हम लोगों का गुरु बीजाणु धान है, इसमें केवल चार बीजाणु का निर्माण होता है, जिनमें से तीन बीजाणु मृत हो जाते हैं, तथा एक बीजाणु पोषण पाकर वृद्धि व विकास करता है। फिर इसके बाद हम लोगों का जो पांचवा अंतर है वह है लघु बीजाणु धान अपने चारों तरफ बाह्य आवरण अंतः आवरण अंतःस्थिजियम तथा टेप्टम से घिरा रहता है, तथा जो हम लोगों का लघु बीजाणु धानी होता है यह अपने चारों तरफ बाह्य आवरण व अंतः आवरण से घिरा रहता है। गाइस यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर लेके पूछता है, तो इस पर विशेष फोकस रखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें लगभग 3 अंतर लिखने रहते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर 5 अंतर बता दिया है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा एक कमेंट कीजिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।